सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो। गौड़ी महला पंजवा जीवत छाड़ जाहें देवाने। मुया उनते को वरसाने जीवत छाड़ जाहें देवाने। मुया उनते कौ वरसाने सिमर गोविंद मन तन तुर लिखया। काहूं काज न आवत बिखया रहा बिखै ठगौरी जिन जिन खाई। ताकि तृष्णा कभू न जाई दारन दुख दुतर संसार। राम नाम बिन कैसे उतरस पार। साध संग मिल द्वे कुल साध राम नाम नानक याराध। साध संग मिल द्वे कुल साध राम नाम नानक आराध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दा समा असीं प्राप्त किया है। बनते समय विच गुरबाणी व्याख्यान होएगा। गुरबाणी विवेचना अंदर लड़ीवार रूप विच राग गौड़ी विचारिया जाता है। गुरु अर्जन पातशाह महला पंजवां उन्हां द्वारा उचरित की गई पावन बाणी सानू प्राप्त है। चौपदियां दे वाक ने बचन आपने सरवन किया है। बिल्कुल जो इहदा रहाउ दा बंद आ जिहदे च मुख सुनेहा है उहदे तों विचार प्रारंभ कर रहे हाँ। सब जिक्र करदे सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। काहूं काज न आवत बिखिया। बिखिया जहर नूं कहा गया आ। जहर सरसरी नज़र मारिया जिसनों असीं पोइजन कहिंदे आ। एक्चुअल लैवल ते इह संसार दा हर पदार्थ अमृत भी है ते जहर भी है। बाबा जी ने बाणी च इसनों वार वार बयान किया है कि यह संसार जो है जिसनों असीं देखते हाँ। बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए। दोनों फल ही लगे ने इसनों। इस बाबत आलमी लोगों के बचन ये ने भी ये जो जहर हलाहल है ये अमृत है नादा। मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जिसनों तू जहर हलाहल समझ रहे हैं ये अमृत भी है पर नादान तेनू पता नहीं एदा इसनों इस्तेमाल किवें करना है इनू यूज़ किवें करना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल करदा बाणी ते पावन बचन ते असी फिर गुरबाणी के शब्दों के जरिए रोशनी उस रूप में पाण दा यतन होएगा। संसारी मसाल जे देनी होए ते मैनू याद आ काफ़ी साल पहला मैं एक डिस्कवरी प्रोग्राम दे उत्ते एक डॉक्यूमेंट्री टाइप प्रोग्राम देख रहा। समहाउ आई वॉज वाचिंग इट ते हुंदा ए है कि जिहो जिहा तुहाडा सोचण दा नज़रिया होए चीज़ां तुहानू उस परस्पैक्टिव विच याद भी रहिंदियां ने ते तुसीं उहनां नू उस रूप विच उहदा अनालिसिस भी करदे हो। खैर प्रोग्राम बड़ा उसने उन्होंने बड़ा इंट्रस्टिंग ते बड़ा हुक करन वाला बनाया। एक शख्स दे लाइफ स्टाइल नू वो शुरुआत कर दे। बड़ी अमीरी विखाई गई गड्डियां कारां मैनशन वर्गा घर सारा रहन सहन उस रूप दे विच दिखा के फिर उन्हें क्या
कि अच्छा तुहानू कुछ तो आइडिया हो गया होना है, बड़ा ट्रॉपिकल जे वैदर दे घर बने आ, लाइफ स्टाइल एवें आ, कि वह शख्स जाके कि गुल्फिंग कर रहा है, कि इस किस्म के नाल चीज़ा हो रही। खैर वो कहते गैस करो यदा कारोबार की होएगा, किस किस्म के कामकार की मलकीयत होएगी। यदि कुछ गैस उन्हें अपने कोलों दिते, समवन कैन से ही माइट बी ए हॉलीवुड स्टार, ही माइट बी एक्चुअली बिजनेस टाइकून विच हु इज़ वर्किंग विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्टॉक एजेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इस किस्म दी गल्लां होईयां। अखीर वो ब्रेक ते चले गए ते ब्रेक तो बाद वापस आए ते कहन लगे हुण तुहानूं दस दिआं दा कारोबार की है। कारोबार इहदा इह है कि इह टैक्सस दे विच बिल्कुल मारूथल दे इलाके दे अंदर एक पूरे दा पूरा स्नेक फार्मिंग या स्नेक गार्डन रन करता है। बंदा कहेगा स्नेक कहिंदे हां, सप्पां दा कारोबार करदा, ते सप्पां दा कारोबार एक्चुअल लैवल ते सप्पां दे जहर दा कारोबार करदा है। जदों उहदे नाल बात होई तो वह कहिंदा कि इतना डिमांड है इस चीज़ की कि तुसीं पुछो ही कुछ ना। दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वास्ते बहुत सारिया चीज़ों वास्ते ये लोड़ींदा आ, ते मैं उन्होंने कलैक्शन करके देना सारी। मतलब है जिसनों असी जहर भी समझते हाँ वह भी अमृत हो जाता। मतलब ये जो जहर हलाहल है ये अमृत है नादा, ये नादान तेनों पता नहीं ये भी अमृत हो सकता है। पर यह भी हकीकत आ, जे बंदा करण ते आवे ते बहुत अमृत नू भी, बहुत मिठी चीज़ नू, बड़ी स्वादिष्ट चीज़ नू, बड़ी जीवन च इजाफा करने वाली चीज़ नू, उसनू भी जहर दे रूप च यूज़ कर लवे। जिदी मिसाल बड़िया लोगों ने वक्रे वक्रे रंग च दित्ती है, जिवें एज ए ह्यूमन जिहड़ा साडा लिवर आ एक्चुअली ये सारी साडी ब्लड स्ट्रीम नू क्लीन करता है, ब्लड स्ट्रीम सारी नू इहनू बूस्ट करता उस रूप दे विच। इहदा एक कारज आ, इसनू ग्लूकोज चाहिदा है प्रॉपरली सारी एक्टिविटीज़ नू जिहड़ा करन वास्ते। दुनिया दा जिहड़ा बेस्ट ग्लूकोज आ वो सानू अंगूरां दे फल तो मिलता है। जिहड़ा बड़ा ओरिजिनल ते ऑरगैनिक अंगूर आ वो सब तो वध खून की सफाई दे ते खून नू जिहड़ा दुरुस्त रखण च मदद करता उस रूप दे विच। पर कमाल ये है जिहड़ा अंगूर लिवर दी बैटरमेंट वास्ते यूज होंदा, जिहदे च ये ताप कुदरत ने पाई है, उस अंगूर नू गाल के उहदी शराब बनदी वाइन। ते जिहड़ी सब तो तेज़ वाइन हुंदी वो सब तो वध उस लिवर नू डैमेज करदी। मतलब एक पासे जहर नू अमृत दे रूप दे विच, एक पासे कुदरत ने अमृतमई फल दिता मिठा। बाबा फरीद जी बचन बड़े लोड़ा दाख बिजूरियाँ, मतलब बड़ी वड्डी चीज़ आ दाखा बंदे द्वारा खानियाँ, दाखा की खाहश करनी, पर हो की रहा आ बिल्कुल वो उल्ट रूप के अंदर। बाबा जी की बाणी बड़ी क्लीयर आ, संसार नू कहा गया बिखिया है, माया है। बाबा जी कहते ना एक्चुअली तेरी ना नज़र नहीं हैगी ठीक, जो तू नज़र ठीक करे यह विस संसार तुम देख दे ये हर का रूप है। जो तेनू विस नज़र आ रहा यह हरी का रूप है, जहर नहीं गा, पर तेनू समझते हो इस गल दे। इस तरह जाणो, होर इनू सरल करके लै लईए। बीते कल असी बंदी छोड़ दिवस मनाया वड्डे पद्धर ते सारी दुनिया दे विच। आप इस तरह जाणा, इस तरह समझिए कि जदों कोई दुख तकलीफ आउंदी है सानू लगता आ ये नहीं सी आउणी चाहीदी, ये बहुत माड़ी चीज़ है। गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले च कैद होए, जे बेसिक कारज ना होंदा एंड रिजल्ट हो जा आउणा सी जिहड़ा बाद च आया। मतलब है कि जीवन विच कुछ ना कुछ वापरेगा, चंगा माड़ा किसी रूप दे विच भी, पर बंदे उहदे विचों भी तू किसी ना किसी गुणात्मक पक्ष नू लैके आउणा आ, जहर नू भी तू अमृत बनाउणा आ, सजा नू भी तू आशीर्वाद बना लेना है, असीस बना लेना है। इस करके बाबा जी ने कहा सीगा केतियां दूख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। ये दातार दी दात आ, ये पूरा पूरे दा पूरा रंग ही उहदी दात दे दाते दी दातार दी दात दे रूप दे च वेखना चाहीदा हैगा। इस चीज़ आ इहदे लई उहने धुर तों
दरगाह ही हुक्म साढ़े सारे वास्ते लाया जिन्हों से ला ऑफ कॉजमो के रूप में याद करते हैं, कॉसमिक ला आ हूँ। कॉसमिक ला दे बहुत सारिया वड्डिया वड्डिया गल् भी हो सकदियाँ, पर मैं बड़े छोटे रूप में बयान कर देना इस तरीके। कॉसमिक ला ये है जो सूरज छिप जाता, रात पै जाती, क्रीचर वर्ल्ड जिहड़ा जिया जनता वाली दुनिया जिहड़ी, ये वाइल्ड एनीमल्स की कुछ क दी जिहड़ी है जिहड़ी खास करके वाइल्ड लाइफ आ उन्हूं छड़ के बाकी सारे सौ जाते हैं। ये कुदरत दे हुक्म दस्तूर का हिस्सा है। जे आप उस हुक्म नूं तोड़ांगे तो की होएगा? अल्टीमेटली दुनिया पद्धर ते जिहड़ी खास करके मैंटल हैल्थ क्राइसिस की गल की जा रही है, उहदे च सब तो पहला जिहड़ा मुश्किल आ रही है कि लोगों के स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है। जिहड़ी स्लीप प्रॉपर ते अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो तोड़ दिती, उहदी दस्तूरीयत तोड़ दिती। तो ये सारे दे नाल साडा आ जिहड़ा पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर आ ये शॉक के चला जाता। तो ये नाल ही फिर ब्रेन जिहड़ा आ डेफिनेटली तो उहदे पिछे पिया होया माइंड उस सारा कुछ हंडाउंदा। ये उस धुर दे हुक्म नूं तोड़न की बात की जा रही है। होर रंग च लै आईए, शाम समय नाल बिस्तरे ते जाना, सवेरे अर्ली बिस्तरे का त्याग होएगा। एक अमेरिकन स्कॉलर ने बहुत सारे लोग जिहड़े जिंदगी दे विच बड़ी मेहनत करके अपने आप नूं स्थापित करदे उन्होंने इंटरव्यू करन लगा एक किताब लिखण वास्ते। जदों इस तरीके नाल उसने इंटरव्यू किया कुछ लोगों नूं ते कुछ सिमिलरिटीज़ नज़र पईआं, ते सिमिलरिटी विच एक चीज़ बड़ी कमाल दी दिसी कि मोस्ट ऑफ दैम आर अर्ली बर्ड्स, सवेरे समय नाल बिस्तरे का त्याग करने वाले। उन्हें ना ही लिख दिता 5 AM क्लब। वो लोग जिहड़े इस क्लब के मैंबर ने जिहड़े अर्लीएस्ट रूप बिस्तरे का त्याग करते, एक कॉसमिक ला आया। महाराज की बाणी कहती कि चिड़ी चूकी पो फुटी वंगण वगण बहुत तरंग, मतलब जो चिड़ी चूक जाए परिंदे फिजान दे विच आवाज़ फैला देन, सूरज की लो की पोह फटारा हो जाए, बंदे नूं बिस्तरे का त्याग करना चाहिए है। ये कॉसमिक ला आ, इहनूं फॉलो किया जाए। फिर इस ला का अगला पार्ट भी है कि महाराज महाराज बयान कर दे, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए पलके उठ हर नाम ते आवे। ये उहदे वास्ते जरूरी है, भाव अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। ये जीवन अमृत है, इस जीवन दे नाल जो कुछ जुड़ेगा वह भी अमृतमई हो जाएगा, पर इस जीवन दे प्रति जिहड़ी अप्रोच है जिहनूं असीं वे ऑफ लाइफ कह रहे हैं, कितें वह जहर वाली तो नहीं हो गई? जिथे वह जहर वाली हो गई, जिस तरीके का अज इनोवेटिव वर्ल्ड असीं जी रहे हैं, जिहो जी टैक्नोलॉजी अजकल जो कुछ मौजूद ते मुयसर आ, बंदा तो बिल्कुल ही डिवाइन हो जाए, देवता हो जाए। मैं तो गुरु के हजूर बैठ के आपकी समकक्ष गुरबाणी की विचार कर रहा वहाँ। आ छोटे छोटे देखने तो प्लास्टिक के पीस ही लगते हैं एक्चुअल लैवल से, तो इलैक्ट्रिसिटी इन्हें रन हो रही है जिन्होंने असं कैमरे कह रहे हैं, इन दे जरिए पूरी दुनिया दे लाइव स्ट्रीम हो रही है। तो कला ये नहीं गा, पब्लिक डोमेन वास्ते सदा लिए चीज़ पई रहनी इस रूप के, क्या कमाल आ। एक मिसाल दे रहे हैं इस रूप के यहोजी कित तुम वेखोगे, पर सब होने के बावजूद भी जीवन दिन प्रतिदिन मिजरेबल हो ही जा रहा है। योग कहते टैक्नोलॉजी ने कर दिता, इन्हें तो वाजिब किया। ईवन अज ही एक स्टडी बड़ी चर्चा हो रही थी कि जिहड़ियां वीडियो गेम्स ने बच्चे खेडते, इहदा उन्हां दी कॉग्निशन फंक्शनिंग ते मोट जिहड़ियां सॉफ्ट मोटर स्किल्स ने इन्हां ते बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखिया गया। ये उन्होंने बयान किया विदाउट एनी डाउट। ये तो चलो स्टडी होण आई ना, आपां ते बड़े समय तो बात कर रहे हैं जिहड़े ह्यूमन बिहेवियर नूं बड़ी चंगी तरह अंडरसटैंड करन वाले ने, वो तो कह रहे हैं जिवें आपां पुराने समय देखिए अपने खास करके इतिहास विच अपनी रवायत अपनी हैरीटेज दे विच, ते साढ़े घर दे विच हुंदा सी जे कोई सिख बच्चा आया ते उहदे तो सीधे तौर पर कुछ चीज़ां की तवक्को हुंदी सी। पहले नंबर ते ये कि उसनू साज वजाउणा आउंदा पक्का, सिख आ साज जाण वाला,
क्योंकि कीर्तन करता है, गाँवता है। दूसरा वैपन हैंडलिंग आती होगी क्योंकि इन्हू श्री साहब पवाई गई है, जिसने श्री साहब पा ली उन्हें वैपन हैंडलिंग आती है। सो दे वास्ते इस किस्म के मकैनिजम से आप देखोगे जो बंदे दे कोल वैपन आता तो वैपन कला नहीं आता, एक्चुअल लैवल तो उहदे नाल ताकत भी आ जाती है। तो ताकत जिहदे कोल सपोज करो मतलब माड़ी जी कोई गल हुई तो गुस्सा आ गया तो आले दुआले कोई चीज़ लभी भी आ चुक के मारा आ मारा, तो जे कोल ऑलरेडी अपने कोल ही कोई हथियार है तो उन्हूं मारदे किन्ना कु टाइम लगेगा। हकीकी रूप विच बात यह है कि बंदे नूं वैपन तो होए पर उहदे प्रति जिहड़ी जिम्मेवारी है उहदा अहसास भी होए। यह अहसास सिख बच्चिआं ते सिखां च बड़ा गहरा रहिंदा सीगा क्योंकि जिहड़ी कॉग्निशन फंक्शनिंग सीगी इह बहुत बहुत दुरुस्त सीगी, बिल्कुल ऐ अलायन सीगी उस सही थॉट दे नाल। ते इहदे विच वड्डा रोल वह कीर्तन वह साज ये सब चीज़ा प्ले कर दिया सी। हौली हौली ये होया कीर्तन का रंग चलो हुण ते जिस दे दौर च लंघ रहे हैं कि क्या जाए, पर यह है कि सॉफ्ट मोटर स्किल जो रिमोट कंट्रोल या रिमोट्स जोड़े है इस तरीके चलाते या टाइप करते उद्दे काफ़ी हद तक चीज़ा जीडिया ने उन्होंने ठीक हो रही ठीक रही। अदरवाइज इस तो भी शायद मिजरेबल तस्वीर होंगी उस रूप के अंदर। पर यदि स्टडी आई मैं जी बेनती कर रहा कितने कमाल की टैक्नोलॉजी है कमाल दिया चीज़ा पे पर इस सारे जो तुरका हुक्म आ वह भी बंदा अपनी सुरत च पा लवे। आ एनर्जी है मैं इसनू माण रहा जी रहा ये जरिए मैं दो कम करने ने, एक मैं कुदरत नू कंज्यूम करना है वो किसी रूप में भी हो सकता है। वो सब तो पहला ब्रीथिंग मैं हवा के जरिए इनटेक कर रहा ऑक्सीजन जिहड़ी दरख्तों ने पैदा की है मतलब कंज्यूम कर रहा मैं इस चीज़ को। इस तो बाद तुसी एयर वाटर फूड फिर रहन सहन घर मकान सब कुछ कुदरत विचों लिया मैं सारे दे मैं कंज्यूम कर रहा। इस कंज्यूम करन दे नाल दूसरा काम कंट्रीब्यूट करना मैं कंट्रीब्यूट करना ये जिहड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन आ उहदे वास्ते समाजिक तौर पर कुछ क्राइटीरिया सैट किया गया उहदे लई मैं वो कामकार करना आ कारोबार करना इस सारे की बात होंगी। पर इस कामकार कारोबार दे विच भावें कि बंदा बहुत सियाणा आ पर फिर भी इसनू कुछ दस्तूर बना के दिता जाता कह लो कि एक तरह के नाल स्ट्रक्चर बिल्ड करके दिता जाता। उस स्ट्रक्चर के अंदर जिहड़ियां चीज़ां रोल प्ले कर दियां उन्हां दे साडियां कुछ नैचुरल मिलियां फोर्सेस ने जिवें लालच ग्रीड। इत्थे तुसी बच्चियां दे जिन्ने क वी उन्होंने बिहेवियर नूं दुरुस्त करने वाले प्रोग्राम ने उन्हां सारियां दे विच रिवॉर्ड्स दिते जांदे ने लालच दिता जांदा है लालच दे के बच्चों नूं तोरिया जांदा है। असीं साखियां पढ़दे हां भगतां दीआं गुरु साहिब दे जीवन काल दी रूप दे विच भगतां दे काल जीवन काल चों सानूं पढ़न नूं मिलदा आ कि बाबा फरीद जी दी मां बाबा फरीद जी नूं नमाज पढ़ाउण ते लाउंदी उन्हां नूं इबादत करन ते लाउंदी किवें गुण दे लालच विच। उन्हां नूं क्या जांदा तुसी बेटा मुसल्ला विछाओ कपड़ा विछाओ थल्ले कपड़ा विछा के इहदे उत्ते बैठ के खुदा खुदा करो रब का नाम लवो उस रूप दे विच। वो करदा जदों करन तों बाद कहिंदा मैनू की मिलेगा कहिंदे बेटा मुसल्ला झाड़ झाड़ना थल्लों गुड़ निकल आउणा। हाँ देखिया इस मतलब ए कि लालच दे जरिए उस रूप दे च हौली हौली करके जोड़िया लालच मेन फोर्स आ। फिर थोड़ा जिहा बच्चा वड्डा हुंदा असीं उहनूं एक विजन देंदे थोड़ा जिहा वड्डा लालच देंदे देख तू स्कूले चंगा कीता तैनूं इज्जत मिली चंगा लगा ना तैनूं हाँ आई लाइक इट ओके ठीक है तू देख जे इस तो होर थोड़ा वधिया करेगा तो यूनिवर्सिटी चला जाएगा फिर तू होर वधिया कर पाएगा फिर तैनूं होर इज्जत मिलेगी। लालच ये सब चीज़ों चला रहा उस रूप के अंदर। पर ये नाल नाल एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल क्राइटीरिया भी हैगा आ जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा वहाँ ये मेरा निज होंदिया होया भी मैं निज तो बाहर आना आ नरोल मैं अपने स्वार्थ दे विच बह के सिर्फ जीवन नहीं जी सकता मैनू कार दे नाल नाल उपकार करना भी आना चाहिए परोपकार करना भी आना चाहिए मेरा कंट्रीब्यूशन इस रूप दे विच होए। फिर जाणो ये जिहड़ा संसार आ जिसनों मोस्टली लोगों ने कहा माया आ बिखे आया बाबा जी कहिंदे ना ये विश संसार तुम देखदे ये हर का रूप है
तेनों हरी का रूप नजर आएगा, हर रूप नदरी आया, तेनों उदी आभा मंडित होएगी। बाबा जी ने आ जिहड़ा बचन लिखिया ना अज इत्थे असीं जो पढ़ रहे हैं, जो समझन दे यतन कर रहे हैं, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया, एहो जी स्मृति विच अपने आप नूं लैके, जिहड़ी गोविंद दी स्मृति है, जिहड़ा मन करके तन करके तुर तों लिखिया पाठ है तेरे नाल। जिवें बाबा जी ने कहा सीगा कि देख किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तेरे नाल ही कुछ लिख के दिता है तेनों, तू बाकी सब कुछ पढ़ लवें जो नाल लिखिया आ, जो तेरी पहली प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी है तू वह ना समझ सकें फिर की बेनीफिट आएगा जी। प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी की है, मेरे अंदर एक यूनीवर्सल आइडेंटिटी आवे, मैं एक यूनीवर्स का पार्ट हाँ, मैं कंट्रीब्यूट करना हाँ, पर इस यूनीवर्स के दस्तूर नू, हुक्म नू पालदिया होया। हालांकि फिलोसफिकली बहुत व्डिया व्डिया असं गल कर सकते, पर बहुत सरल कर लिया जाए, वो सरल रूप से यह है असी सारे यूनीवर्स का हिस्सा वा। मेरी कोई दिल खराशी करेगा मीन मैनू कोई इस किस्म बिहेव करेगा जिस मेरा दिल दुखे, मैं चंगा नहीं लगेगा, आई एम नॉट गोना इट लाइक इट। तो जे मैं कराँगा किसी नाल फिर वो लाइक करेगा, इतों फिर मेरे तो दूजे च फर्क कटेगा, मैं पता लगेगा ना एवें नहीं करना, इतों फिर बंदे च एक हारमोनी डिवेलप होंगी है, फिर इंसानियत की आमद होंगी उस रूप के। बाबा जी कहिंदे ये तेरे नाल लिखिया आ, तू ध्यान देगा तेनों समझ आएगी, मैं किसी नूं किसी रूप दे च लुट लवा ठग लवा तो मुड़ के खुश महसूस करा मैं ठग लिया, जो कोई मैनू ठग लवे तो आम गुना फील। इतों फिर एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया बंदा फॉलो करता है। बाबा जी ने बयान किया एहो जिहा सिमरन कर, सिमर गोबिंद मन तन तुर लिखिया, काहू काज न आवत बिखिया। तो जे एहो जिहा वरताओ अपना के मैं किसी ठग लवा लुट लवा बेनीफिट लै लवा एडवांटेज लै लवा तो सारे च फिर मैं सोचा भी मैं तो बहुत कलैवर बनना है ना, आई कैन डू। बाबा जी कहिंदे बिखिया खा रहा तू जहर, ये किसी काम नहीं आना, रोएगा बह के कलपेगा, इस जहर तो बच, आ जहर है, पदार्थ जहर नहीं, माया जहर नहीं, दुनिया दियाँ उपाधियां जहर, कुछ भी जहर नहीं, जहर है अप्रोच। किस अप्रोच के नाल बात की गई है, जिम्मे बेनती कर रहा सीगा, सप्प दा जहर भी जहर नहीं गा, पर हाँ अंगूर दे विच मिठा पिया होया ग्लूकोज वह भी अमृत के रूप में नहीं यूज हो सकता जे बंदा उस रूप जिहड़ा हैगा उसनों गलत तरीके नाल इस्तेमाल करे। ते इस तरीके की बात महाराज बयान करते हुण अज शुरुआती बंद च सब कहिंदे जीवत छाड़ जाहे दीवाने मोया उनते को वरसाने। एक ऐसी रेस लगी है जिन्हों असीं वैसटर्न वर्ल्ड कह रहे हैं, नो डाउट ये फाइनैंशियल अटोनमी है बंदे दे कोल वड्डे पद्धर ते है, उहदे च कोई शक वाली गल नहीं गी, पर एक्चुअली जिहड़ी सोशल डेमोक्रेसी है ना उहदे करके सब कुछ बेनीफिशियल हैगा। जे सोशल डेमोक्रेसी खत्म हो जाए ना इत्थे ते ये चीज़ां जिहड़ियां ने इस तों ही वड्डा जहर बन जाण, कल्ट बन जाण। सोशल स्ट्रक्चर दे विच मतलब मनुखां नूं प्रेरिया जांदा तुसीं कंट्रीब्यूट करो, तुसीं आप अपने जिहड़ा हैगा रोल्स नूं पहचानो ते उहनां नूं प्ले करो वक्रे वक्रे रूप दे अंदर, इस तरीके की बात होंदी। बाकी गल रह गई इकनोमिकल साइड्स तो, इकनोमिकल साइड्स तो इस सारे का सारा मॉडल क्योंकि एक तरह के नाल पूंजीपति या पूंजीवादी सिस्टम के विचों आ रहा आ, तो ये अंदर स्वार्थी होना लालची होना गुण मनिया जाता। जिहड़ा बंदा जिन्ना वध स्वार्थी है जिन्ना वध लालची है उतना वध वो बिजनेस माइंडेड है, तो इनू मनिया गया कि यह बहुत वधिया चीज़ है। ईवन चीज़ां नू भी इस तरीके बनाया गया आ। एजुकेशन की बात करिए साढ़े वैसटर्न वर्ल्ड की एजुकेशन रिफलैक्ट साढ़े उत्थों के सिस्टम भी करती, जो मैं तुहानू सरल एग्जाम्पल करदा, आपने पंजाब की फिजान दे विच हिसाब पढ़िया होना मैथ मैथमैटिक्स, उहदे विच सपोज करो एक सवाल आउंदा, सवाल यह आउंदा है भी सपोज दो नाम लईए, जंडा सिंह ने झंडा सिंह तो 100 रुपया उधारा लिया, उहदे उत्ते 4% 5% के हिसाब के नाल इस तरीके की छिमाही चक्रवर्ती जिहड़ी है ब्याज लगनी है,
ठीक उसने पैसे उधार लैके रखे 3 साल तक, तुसी ये दसो इस सारे का ब्याज कितना बनेगा? हिसाब के सवाल आपने जरूर पढ़े होंगे जो मैथ पढ़िया है 8वीं 10वीं तक थे, ठीक है जी। जिसने ये हिसाब पढ़ लिया चेते रखिया जे उत्ता उम्र व्यापार करेगा प्यार नहीं करेगा, वो जिथे भी कोई चीज लैण देन की गल आएगी राइट वे कैलकुलेट करेगा भी व्हाट आई एम गोना गेट फ्रॉम इट। आ चीज है सोच का क्राइटेरिया सैट हो गया। इस सारे दे अंदर यह क्या जाए जो बेनती कर रहा जिन्हों असी गुरमत आशे चा के देखते हाँ कमावां मैं तो वंडदे हाँ परोपकार वास्ते बड़ा औखा, पर है बंदे नूं कहा गया तू कंट्रीब्यूट करना धरती दे उत्ते चंगे ढंग दे नाल वाजब ढंग दे नाल। बाबा जी कहिंदे कुछ भी ना किते खत्म हुंदा ना मुकदा, जो कुछ असी वंडदे उही सानूं मुड़ के मिलदा। शब्द असी पढ़दे हां बाणी दे विच दित्ता लईऐ अपना विण दित्ता है किछ हथ ना आए, जो हथों छड़दे हां उही कुदरत कई रूपां ते सानूं ना थोड़ी बहुती समझ ते आउंदी है। जिवें सपोज करो जमीन है, जमीन सानूं निर्जिंद लगती है, जमीन किसे निर्जिंद है कोई जान नहीं है सानूं ये लगता है। जमीन दे आगोश दे विच किसान एक मण बीज सटदा है, 6 महीने नहीं पैण देंदी जमीन, उस एक मण दे कोई 100 मण बना के वापस दे देंदी है, साढ़े सामने है निर्जिंद है बिल्कुल। जिसनूं असीं जिंद वाला समझदे हां उस कुदरत दे नूर दे विच जो फैलिया होया है जे इहदे च वंडांगे तो फिर की होएगा? तो इहदे च सिर्फ रोकड़ नहीं वंडना होंदा। बंदे ने सपोज मैं चाहुंना मेरे आले दुआले शुभ होए, चंगियाई होए, गुण होए, प्यार होए, मिठास होए, तो भाई बीजने भी फिर मैनू ही पैने ने क्योंकि वड्ढना मैं चाहुंना। मैं सोचता ए भी मैं नखरेबाज रहा, कौड़ा बोला, हंकारी होवा, सारियां नू ठुठते रखा भी हू केयर, पर सारे मेरी केयर जरूर करन, ये गल नहीं बननी। फिर बंदे लगता है बिख्या है, हाँ भाई बिख्या संसार, पर बिख्या बीजी तू है किता की जाए, दिता लईए अपना, अपना ही दिता अपने हथी वापस लेना है। इत्थे साहब ने बयान किया जिदे मगर लग के तू सोचता है ना तो वो की है कि वध तो वध सरमाएदारी ते सरमाएदारी दे नाल मेरी जिहड़ी होंद जुड़ जाए उहदे विच फिर मेरी बड़ी चढ़दी कला होएगी। महाराज बयान करदे ना जीवत छाड़ जाहें दीवाने, असी देखिया आ वे दीवाने कमलिया इत्थे जिउंदे लोग ये सारा कुछ जिन्हों जिदे मगर ला रहे ने वो किसे काम नहीं आउंदी चीज। मतलब रोज़ असी इहो जिहियां मिसालां देखदे धरती दे उत्ते, मोया उन ते को वरसाने, ते जिद्दन किते वो आखरी साह निकलिया उदन किन्ने वरसाना है नाल, उदन कौन निभेगा नाल। माफ़ी मंगांगा जिन्हां चीज़ां दे मगर बंदा भजदा होया, मतलब रात दिन दा सुख चैन गवाई बैठा आ, उन्हें चो एक भी चीज़ नाल उठ के तुरन वाली नहीं है। मेरे बड़े प्यारे सज्जन हैगे ने वैनकूवर दे विच, ते होया एक एक वारी असी शाम दे समय घरे बैठे, मैं गाहिब गाहे जांदा रहिंदा उत्थे, तो कोई रिकॉर्डिंग करनी सी कुछ खास प्रोग्राम वास्ते, तो कुछ सज्जन उत्थे आ गए, कुछ मिलन वाले प्यार करन वाले वैसे हैगे ने जी, वो आ गए। होया ये कि असी काफ़ी जने हो गए, हॉप करदा लिविंग रूम बड़ा वड्डा, पर बैठन वास्ते सिर्फ साढ़े कोल 2 सोफे ते कुछ चेयरां, बाकी इधर उधर एडजस्ट होए। तो खैर एक आए हुए सज्जन, वो उन्होंने असं अंकल जी कहें, तो उन्होंने कहें आवाज़ दे के उच्ची सारी भी दसो ये इन्ना सारा माल ताल तुहाडे कोल आ, एडा वड्डा घर आ, तो कोई फर्नीचर ते लिया के रखो महंगा खूब खूब सारा, ताकि जो एवं महफल लगे भाई साहब आने एटलीस्ट बहन ली जगह तो बने खूब सारी। खैर उस तो पहला वो जवाब देंदे उन्होंने घरों बुजुर्ग आंटी जी, वो कहिंदे भी वीर तेरी गल बड़ी सच्ची है बड़ी सही है, पर मैं तेनों दसा यहोजी महफल तो अज गुलजार सिंह इतने हैगा तो करके लगी, अदरवाइज कितने यहोजी लगती। बाकी गल रह गई कि जिंदगी का समा मैं तुहानू सच दस देनी हाँ, मैं सोफिया ते लीरां मारन नहीं गवाना ना, मैं इस चीज़ नू जिन्ना क मैनू लोड़ींदा आम आई हैव इट एंड आई एम डूइंग इट, मेरे को इस तो कितने इंपोर्टेंट काम करने वाले है ना। ये है बंदा एक्चुअल लैवल से सोचे, तो एनर्जी है इन चंगे पासे लाओ।
इस नूं जे गुण आ जे शुभता आ वंडो आले दुआले परिवारां दे विच आले दुआले दे विच साहब ने बयान किया कि भाई मोया उनते को वरसाने तुसी सब बनाउंदे तुर जाओ एक दिन फौत हो जाओ तो कोई चीज़ ना वरसाई जाएगी कोई एहसास नहीं होएगा जिथे किते बंदे दियां सांझां ना होण ईवन फ्यूनल तक भी समान ते नहीं उठ के जांदा कदी नाल ये तो नहीं है कि दो मैनशन बनाईया सी उठ के तुर पईआं भी चलो संस्कार ते चलीए नाले दे ना ये तो वरसाया होया आ अगला बचन लिखिया बाबा जी ने महाराज बयान कर दे बिखै ठगौरी जिन जिन खाई ताकि तृष्णा कभू ना जाए जिन्हें जिन्हें बिखिया रूपे ठग ठग बूटी खाधी वो तृष्णा ना बुझेगी कदी असे सानू भुलेखा ही है कि एक्चुअल लैवल ते ना बस आ मिल जाए तो उस तो बाद डन आ बस उस तो बाद मेरे को जड़ा है फिर लोड़ नहीं है वो मिलन की देर आ वो चीज़ बेमानी है सुरत कितने होर पहुँच गई है आ जाए आ जा आ जाए साहब कहिंदे कि तृष्णा कभू ना जाई दारण दुख दुत्तर संसार ऐसे दुख जिहड़े दारण दुख ने यह संसार दे विच ने ते इह बिख्या दे रूप विच आउंदे ने फिर बेनती करदे वां बड़ी आइडियल इहो जी थॉट सुन के बंदा सोचता आ अच्छा फिर बाबा जी ते मोड़ रहे ने सानू संसार कमाण बनाण तो ना ना बाबा जी मोड़ नहीं रहे बाबा जी समझा रहे ने जीवन की एनर्जी लगा कमा बना पर एक डिटैचमेंट भी बिल्ड कर नाल दी नाल अदरवाइज ये दारण दुख बनेगा ऐसी खाई कि बंदे नू एहसास हुंदा अल्टीमेटली मैं इन्हां मुबालिक दे विच देखदा आं मेहनत करके घर बनाया मकान बनाया पैसे बनाए कुछ चीज़ां बनाइया थोड़ा जनरेशन जदों चेंज आ रहा है नैक्सट जनरेशन आ रही है वह परवाह नहीं करती उड़ाउंदी है ओ माई गुडनैस फिर हालत वेखन वाली हुंदी है मैं तो रोज कहता सुनना भाई साहब आ जो बर्बाद कर रहे हैं पता किवें बनाया है इस तरह कमाल हो गई हुण की आ हुण ये है कि जिवें मैं सोचता सी जिवें मैं कोल्लू दे बैल की तरह पिस रहा सीगा क्यों नहीं पिस रहे तृष्णा वेखना चाहती है तृष्णा वेखना चाहती है नैक्सट जनरेशन भी मेरे वर्गी कजाक सियाणी कंजू सब होए वो नहीं लभदा फिर स्वाय दुख तो दारद दुख है इस रूप के बचन आया महाराज का क्या ताकि तृष्णा कभू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतरस पार अकाल पुरख वाहगुरु के नाम के ओट सहारे तो बिना किवें पार उतारा होए साध संग मिल दो कुल साध राम नाम नानक आराध हे नानक रमी हुई हस्ती दे नाल अपने आप नूं जोड़ के उहदी आराधना कर ते फिर साध संग मिल दो कुल साध दो कुल दा ही जिक्र आ गया सीधे तौर पर मतलब है तेरा तो उधार होएगा आने वाली जनरेशन का भी उधार हो सकेगा जे तेरी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल ते फुल विद जिन्हों असी कहने इंटीग्रिटी ट्रुथफुलनैस के नाल उस दे नाल जोड़ेगा तू डेफिनेटली सचियार बनेगा आउंदियां नूं सचियार करन वास्ते प्रेर सकेगा साहिब रहमत करन इन्हां आलमी वाकां की प्रीति साडी सुरत पकड़े इन्हीं बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारनियां इत्थे ही एक आवाज़ होकर कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।